फर्जी टेंडर रस्तो, फर्जी टेंडर रस्तो, पीडीओ पर भारी मुंडा पांडे, पीडीओ पर भारी मुंडा पांडे, पीडीओ पर भारी। मुरादाबाद के मुंडा पांडे ब्लॉक अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण में आज फिर से दर्जनों सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी जिलाधिकारी को सौंपी है। पिछले कई महीने से चले आ रहे मुंडा पांडे ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कई बार दर्जनों ब्लॉक मेंबर जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज फिर से दर्जनों महिलाएं पुरुष मेंबर कलेक्टर पहुंच गए और ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गंभीर आरोप लगाए। इनका कहना था कि ब्लॉक प्रमुख ने धांधली करते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, उनके पास समुचित मेंबर भी नहीं है, वो फर्जी साइन के माध्यम से पैसे का गमन करने में लगे हुए हैं। इस मामले में भाजपा नेता रामवीर सिंह ने भी कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ मेंबर उनसे आकर मिले थे, उनका कहना था कि फर्जी तरीके से टेंडर निकालकर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मांग हमारी ये है जो ब्लॉक मुंडा पांडे में जो एक साल पहले जो फर्जी तरीके से जो प्रधानों के सब लोगों के सहयोग से उसकी रंगाई पुताई हो गई, उसके इन्होंने अब आन के फर्जी टेंडर निकाल रहे हैं। वीडियो प्रभारी जो है पीडी साहब और ललित कौशिक मुंडा बांडे का नाम है जो ब्लॉक प्रमुख है, इन्होंने अभी आन के जनवरी में फर्जी टेंडर जारी करे हैं। हमारी मांग ये है डीएम साहब से कि इन्हें निरस्त करा जाए, क्योंकि एक वर्ष पहले सब लोगों के जो समाज सेवी लोग हैं प्रधान लोग हैं उनके सहयोग से उनकी रंगाई पुताई मरम पहले ही हो चुकी है एक साल पहले, और उसके टेंडर अब जनवरी 2021 में इन्होंने निकाल रहे हैं अवैध तरीके से। इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सरकारी धन है जो पैसा है राज्य गमन कर लें, इस तरीके से हड़पना चाहते हैं। तो हमारी मांग ये है कि इसकी जो है बिल्कुल गहनता से जांच होनी चाहिए और ये टेंडर जो है निरस्त होने चाहिए बिल्कुल, और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपके साथ ये प्रदर्शन में इससे पहले प्रदर्शन में जो लोग आए हैं ये कौन लोग हैं? ये सब बीडीसी मेंबर हैं, बीडीसी सदस्य। जी जी बीडीसी सदस्य। पूर्व में भी आप? पूर्व में भी हाँ बिल्कुल, एक साल पहले एक साल से हमारी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, मुकदमा चल रहा है इसका प्रमुख के खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव आ गया है क्या नाम है। तो पिछले भी हमने जो ज्ञापन दिया था इस लिहाज से दिया था कि यही इसका षड्यंत्र रचा जा रहा था इस धन को सरकारी गमन करने के लिए, तब भी हमने ज्ञापन दिया था जिलाधिकारी महोदय साहब को, हमने तब भी यही मांग करी थी कि ये बिल्कुल पैसे का दुरुपयोग होना ना चाहिए, और इन्होंने अवैध तरीके से पूर्व में भी जो हमने ज्ञापन दिया था कि अवैध तरीके से एक बीडीसी मेंबर की फर्जी मीटिंग दिखाई थी।